Hello, my name is Meenie Sethi. Today I'm going to discuss about how to stop negative self-talk. अपने आप से negative बातें करना कैसे बंद करें? National Science Foundation के according एक बंदा एक दिन में 12,000 से लेकर 60,000 तक की thought को create कर सकता है. National Science Foundation के according एक बंदा एक दिन में 12,000 से लेकर 60,000 की thought को create कर सकता है और जिसमें जो 80% thought होती है वो negative होती है. Means सारे दिन में हम जो भी सोचते हैं उसमें से 80% क्या negative है. और 95% थॉट ऐसी हैं जो बार 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 हमारे माइंड में आते हैं, मींस बार 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 रिपीट होते रहते हैं. हम हमारी लाइफ में क्या बनेंगे वो उन थॉट्स पे डिपेंड करता है जो बार 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 हमारे माइंड में रिपीट होती रहती हैं. क्योंकि उन्हें कौन सुन रहा है, सबसे ज्यादा उन थॉट का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा कौन सुन रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा सुन रहे हम खुद, हमारा सबकॉन्शियस माइंड. क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम सोचते हैं उसे एज अ स्टेटमेंट ना लेके बल्कि एज अ कमांड लेता है. ठीक है, उसे एज अ स्टेटमेंट ना लेके एज अ कमांड लेता है. जैसे एक बंदा बार 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 अपने आप से ये बोलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसा स्टेटमेंट नहीं लेगा बल्कि ऐसा कमांड लेगा कि मुझे इसकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की ये अपना कॉन्फिडेंस लूज करे. और ये बंदा बार 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 अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा और यही बोलता रहेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है. अगर ये बंदा बार 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 अपने आप से ये बोल रहा है कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मैं इंटरव्यूअर के सामने जाते ही नर्वस हो जाता हूं, तो इसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा जोर लगा देगा इसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में कि वो जब भी जॉब के लिए जाए वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करे, इंटरव्यू के सामने नर्वस होए और वो जॉब उसको ना मिले. इसलिए हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, पॉजिटिविटी से करनी है, पॉजिटिव थॉट से करनी है, ताकि वो उसे ऐसा कमांड ले और हमारी लाइफ में उतार दे. आप अपनी लाइफ में क्या बनोगे इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करी है. एथलीट विलीमा रुडो के बारे में आपने सुना होगा. विलीमा रुडोल्फ कहती एथलीट थी, उनको क्या था, पोलियो था और डॉक्टर्स ने उनको ये बोल दिया था कि तुम कभी भी चल नहीं पाओगी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें ये बोला था नहीं मेरी बेटी जरूर चलेगी. विलीमा रुडोल्फ ने क्या किया, डॉक्टर की बात को जो ये बोलते थे कि तुम कभी चल नहीं पाओगी अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं दिया. उनकी माँ जो ये बोलती थी नहीं मेरी बेटी जरूर चलेगी, उनकी बात को उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दिया और विलीमा रुडोल्फ केवल चली नहीं, दौड़ी. और दौड़ी भी कैसी, वो ओलंपिक में 3 मेडल जीत के आई थी. इसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग. अगर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की और लाइफ में सक्सेस को पाया, ठीक है, हमें भी क्या करना है, अपनी अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव थॉट से करनी है. पॉजिटिव क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी थॉट को एज अ स्टेटमेंट ना लेके बल्कि एज अ कमांड लेना. अब हम करें क्या जब हमारे माइंड में बार 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 नेगेटिव थॉट आते, तो हम करें क्या, आपको बस 3 स्टेप उठाने हैं, आपकी नेगेटिव थॉट के ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो जाएंगी. ठीक है, वो 3 स्टेप क्या है, अवेयर. पहला स्टेप क्या, अवेयर, नो अटेंशन. थर्ड, ब्रेक चेक. सबसे पहले आपको अवेयर होना, जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, ठीक है, उसी टाइम पे अवेयर हो जाओ उसको. कोई जैसे आपका नेगेटिव थॉट आया, आपको पता चल गया आ गया भाई, ठीक है, फिर आपने उसका वेलकम नहीं करना, ठीक है, उसको कोई अटेंशन नहीं देनी. जैसे आपके घर में कोई गेस्ट बार 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 आता है, आप उसे कोई अटेंशन नहीं दोगे, ना उसको चाय दोगे, ना कॉफी दोगे, ना कुछ आगे स्वीट्स दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, कोई अटेंशन नहीं दोगे, ना उससे ज्यादा बात करोगे, वो आपके घर पे आना ही बंद कर देगा. सिमिलर आपने अपनी थॉट के साथ करना है, जैसे आपके माइंड में आई आपने क्या करना है, उसको कोई अटेंशन नहीं देनी, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, वो अपने आप अपने वीक होकर गायब हो जाएगी. फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है, थॉट्स की चेन बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, एक चेन क्रिएट हो जाती है. आपने उस चेन को तोड़ना कैसे, जैसे मान लो आप जॉब के लिए गए, इंटरव्यू हुआ, ठीक है, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन के बाद से देखो एक चेन बनेगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही कम है, मेरी तो कम्युनिकेशन ही कम है, मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, मेरे तो शायद मुझे तो कोई लाइफ में कोई जॉब मिलेगी ना. आपने एक चेन तैयार कर ली, ठीक है, इस चेन से क्या हुआ, आपका आपके मन में जो भी भरा हुआ है उसकी फ्रस्ट्रेशन आप 4 लोगों पे जाकर निकालोगे, अपना सारा दिन बेकार करोगे, अपना गुस्सा 4 लोगों पे जाकर उतारोगे, खुद भी दुखी दूसरों को भी दुखी. और फ्यूचर में अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी ऐसी करोगे कि आपको फ्यूचर में रिजल्ट भी ऐसे मिलेंगे. तो इस चेन को ब्रेक कैसे किया जाए, ये चेन बनी कहाँ से थी, ये चेन यहाँ से बनी थी, जॉब इंटरव्यू रिजेक्शन, इसके बाद से बनी थी ना, ये नेगेटिव चेन से आप पॉजिटिव चेन पे आ जाओ, ठीक है.
मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा होगा, मुझे इससे भी हाई पेड वाली जॉब मिलेगी, ठीक है। आप अगर ऐसी पॉजिटिविटी वाले चेन को क्रिएट करोगे, आप देखोगे इंस्टेंट आपके अंदर पॉजिटिविटी भर आएगी, इंस्टेंट आपके अंदर चेंज आएगा और वो आपको लाइफ में अच्छी पॉजिटिव बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेंगी और आप वो पालोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। थैंक यू।